हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। सो आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। सो आज का ब्लॉग अपना स्टार्ट रहा है नरवाल जम्मू से। और इतनी गर्मियां भाई जम्मू में मत पूछो यार, नरवाल में नहीं सिर्फ हर जगह। मैं परसों आया था ले से घर, सोचा अब बस भाई अब नहीं जाऊँगा, ट्रिप ख़त्म और घर पे रहूँगा। सो फिलहाल भाई इधर तो इतनी गर्मी है ना, मैंने मना भी कर दिया था भाई साहब को कि मैं अब नेक्स्ट ट्रिप नहीं लगाने वाला, क्योंकि एक या दो ट्रिप और लगा लूँ फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं। सो फिलहाल जो प्लान है वो अभी पेंडिंग ही रखते हैं भाई, अभी नहीं। सो इसलिए हम आ गए नरवाल और इधर से करेंगे गाड़ी लोड, फिर उसके बाद चार्जर फिट करवाना है पहले नंबर, और दूसरे नंबर टायर चेंज करवाने हैं। अभी टायर का बोला नहीं है, देखते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं, हो सकता है कि अभी मे भी ना हो, नेक्स्ट चक्कर में करें। सो फिलहाल अभी तो चार्जर तो पक्का करवाना है इस बार फिट, क्योंकि इस बार आपको ना पूरा लेक दिखाना है। सो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। भाई लोग परमिशन अपनी बन गई है और अब हम पहुँच गए हैं डिपो में, और देख सकते हो बाहर का नज़ारा। भाई पूरा बाहर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत धूप है, और अपने पास ये फ़ैन है, और ये भी जब गाड़ी ऑन रहती है ना तभी चलता है, नहीं तो ऐसे ये भी नहीं चलता। अपनी इतनी बुरी हालत है, समझ सकते हो आपकी, इतनी धूप में बिना फ़ैन के बैठना पड़ रहा है। और ये रहे अपने भाई साहब। सो फिलहाल क्या फील कर रहे हो अभी? गाड़ी बहुत ज़्यादा यार, गाड़ी कब तक लोड होनी चाहिए, कल या आज? आज ही होनी चाहिए भाई, कल के लिए मतलब मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सो फिलहाल देखते हैं कब लोड होती है गाइस, कहाँ के लिए होती है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो भाई लोग गाड़ी हो गई लोड अपनी, और पेट्रोल पंप से ऑयल भी डलवा लिया, वो रही अपनी गाड़ी। सो फिलहाल अभी निकल लगे यहाँ से। सो भाई लोग अपना ट्रिप रहेगा जम्मू से लेके द्रास तक, और ये रहेगा लगभग 280 किलोमीटर पीछे ले से। हमने पहले 250 किलोमीटर आगे गए थे और अब पीछे जाएंगे 200 किलोमीटर, तो देखते हैं क्या सीन रहने वाला, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो भाई लोग वन टोल प्लाजा पे पहुंचे थे, यहाँ पे ट्रैफिक देख सकते हो तीनों साइड, ए लाइन एक दो और तीन, और उस साइड भी तीन लाइन बनी हुए हैं। अल्लाह भगवान बोल रहा है कि भाई देख लो अभी इधर से इतना ट्रैफिक है स्टार्ट से ही, और एंड पे कितना होगा तो वो हमें कुछ सोच लेना चाहिए। तो आज ये वाला ट्रिप मुझे लगता है काफ़ी हार्ड रहने वाला है, और देखते हैं क्या बनता है यार। मैं नहीं निकल रहा यार, बहुत गर्मी है। सो उसकी वजह से चार्जर भी नहीं लगाया हमने, और टायर चेंज करने थे वो भी नहीं किए। सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना तब करेंगे, अभी फ़िलहाल यार नहीं रुकने हो रहा था कसम से। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी नरवाल में, तो बुरी हालत हो रखी थी। अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत ठंड का मौसम है, तो अभी मतलब यहाँ पे ठीक है यार बारिश। तो भाई लोग हम पहुँच गए चिनानी टनल में, और टाइमिंग हो रही है 8 बज रहा। सो फिलहाल अभी ना हल्की हल्की बारिश भी आना स्टार्ट हो गया, मौसम जम्मू से काफ़ी अच्छा यहाँ पे। सो फिलहाल सीन ये था यार, जम्मू से चले थे और कहीं भी नहीं रुके, और ये रही अपनी गाड़ी। अभी ना टायर काफ़ी गर्म हो गए थे, तो सोचा अभी ठंडे करके निकलते हैं एक ही बार यहाँ से, और साथ में यहाँ पे पानी भी था। और अभी थोड़ी कोई 2-4-5 किलोमीटर तक चढ़ाई होगी, उसके बाद उतराई है, तो सोचा पानी वगैरह भी भर लेते हैं आराम से, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अभी देखते हैं कि क्या प्लान रहता, हमें खुद नहीं पता। अगर कान भाई छोड़ दी गई होगी तो फिर इधर से रामबन पार करके रुकेंगे, अगर नहीं छोड़ दी हुई तो फिर इधर ही मस्त खाना वगैरह बनाएंगे, तो इधर ही सो जाएंगे। अभी कुछ नहीं पता आगे का क्या है क्या नहीं, तो फिलहाल मिलते हैं गाइस आपसे आगे जाके। भाई ये भी अपनी गाड़ी है हमारी, ये पंजाब से लोड होके आई है, और देख रहे हो बंदा चारों इंडिकेटर जगा के चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी धूल पड़ी हुई है कि मत पूछो यार, रास्ता ही नहीं दिख रहा इतनी ज़्यादा। मेरे फ़ोन में क्लियरिटी कम है यार, यहाँ इस बाहर से दिख रहा है, देख सकते हो आप कितनी धूल है।